कैसे हैं आप? आई होप आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई लेफ्ट हैंड का कोई पैटर्न नहीं है, राइट हैंड की कोई एक्सरसाइज नहीं है। आज मैं स्पेशली एक अपना अलग टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि हम केसीओ कीबोर्ड हम जो भी परचेज करते हैं हम उसको प्ले करते हैं, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट या अपनी सेकंड वीडियो में बताया था कि उसका जो मेन फंक्शन है जो लाइक वॉइस स्टाइल है देन टेम्पो है, इनका मैंने आपको यूज़ बताया था, जिसमें मैंने स्टार्ट स्टॉप का यूज़ बताया था आपको, मेन ऑटोफिल का बताया था, एकम का बताया था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इनके अलावा भी केसीओ में कीबोर्ड में एक फंक्शन अलग होते हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो आज मैं उन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो, अगर किसी में थोड़ा स्वीटनेस आपको जैसे होता है ना, पियानो है स्ट्रिंग है, अगर उसमें थोड़ा और हमें उसका ईगो लेना है और थोड़ी स्वीटनेस लेके आनी है, तो किस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं तब जाके हमें थोड़ा अच्छा लगता है, वॉल्यूम हम कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि जैसे मैंने स्टाइल ही हुआ, मैंने कोई भी जैसे कि बीट लगाई, इसमें ये हमारी बीट चल रही है, ओके? अब क्या करना है, कभी कभी होता है कि बीट तो हमारी कम होनी चाहिए, मतलब हमारी स्टाइल का वॉल्यूम कम होना चाहिए, और हमारा जो पियानो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पियानो भी हो सकता है, फ्लूट भी हो सकती है आपकी, और संतूर हो सकता है, गिटार हो सकता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लगाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो आपका इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो और आपका ये बीट का वॉल्यूम आपका कम हो, इसके लिए आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ, तो आप ये जो मेन वॉल्यूम है आप यहाँ से कम कर दोगे, इससे क्या होगा, इससे आपका वॉल्यूम कम तो होगा लेकिन इंस्ट्रूमेंट एंड बीट दोनों का वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, आपका इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम ज़्यादा रहे लेकिन बीट का वॉल्यूम कम रहे, ये और भी चीज़ें हैं, या फिर आपको बीट का वॉल्यूम ज़्यादा करना है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को कम करना है, उसके लिए क्या करोगे, ठीक है? कभी कभी होता है कि जैसे आपको एक ही नोट से प्लेइंग आती है, जैसे कि कोई भी सॉन्ग है आपका, आप नेशनल एंथम सी शार्प से प्ले करते हो, ठीक है, लेकिन किसी का स्केल है वो डी शार्प से है, अगर वो डी शार्प से सिंगिंग करेगा लेकिन आपको प्लेइंग कहाँ से आती है, सी शार्प से आती है, फिर आप क्या करोगे, फिर एकदम से तो आप डी शार्प से प्लेइंग नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है? आगे तो आपको ऐसे ही करना है, जो जिस कॉर्ड से गाए आपको वहीं से प्लेइंग आनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ फिर आपको क्या करना है। तो उसमें ऑप्शन आते हैं, वो ऑप्शन मैं बताऊंगी जिससे कि आप उस पे जाके सी शार्प से डी शार्प के स्केल की प्लेइंग कर सकते हो, मतलब यहाँ से दो नोट हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है? इसके बारे में बता, सारे फंक्शंस को देखने के लिए आपको कहीं अलग अलग नहीं जाना है, आपको सबके केसीओ में, सबके सिंथेसाइजर जो भी उनका कीबोर्ड है, सबके पास ये ऑप्शन होता है, फंक्शन सबको दिख रहा होगा, ये फंक्शन ऑप्शन होता है, इस पे जाते हैं, ठीक है? इसको प्रेस किया, अब हम देखते हैं अभी इसमें क्या रहा है। मैंने फंक्शन जैसे ही मैंने प्रेस किया इसमें आया स्टाइल वॉल्यूम, इसका मतलब मैं सेम वही टॉपिक पे अभी आपको बता भी रही थी कि जब बीट है ये, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हमें बढ़ाना है, तो हम यहाँ से, मैंने आपको बताया था यहाँ तो इस चैनल से आप बढ़ा सकते हो, या फिर ये जो प्लस है इस प्लस से भी आप बढ़ा सकते हो, माइनस करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर इधर से आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये वॉल्यूम आप कहाँ से बढ़ाओगे, फंक्शन में जाके, फंक्शन में गए आपको स्टाइल वॉल्यूम दिखा, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मेरा बीट का वॉल्यूम कम होना चाहिए और जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट साउंड ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए आपको सेम यही करना है, मैंने कम किया, अभी देखो 99 है, आपको जितना भी करना है, लाइक आपको करना है 75, ओके, अभी 75 है। इसमें क्या है कि हम जो भी प्ले करेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट का साउंड हाईलाइट होगा, ठीक है, कुछ भी आपको ये, ठीक है, अब आपके इसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है इंस्ट्रूमेंट का, या फिर आपको और भी कम करना है आप कम कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बढ़ाना है तो और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसकी लास्ट रेंज होती है 127, ठीक है, अभी मेरे इसकी बोर्ड में 127 तक की लास्ट है वॉल्यूम, ओके? तो ये तो आपका हुआ स्टाइल, अब फिर से हम फंक्शन में जाते हैं, आपको फंक्शन ही प्रेस करना है, इसमें आपको सारे फंक्शन वही मिलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, अभी तो ये आपका स्टाइल था। अब अगर हम स्टाइल से आगे बढ़ते हैं, मैं अगर इसमें और भी अपने आगे के फंक्शन देखने हैं, हमें क्या क्या मिलने वाला है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैटेगरी, कैटेगरी सभी को दिखाई दे रहा है,
आप कैटेगरी में ये प्लस है ये माइनस है, ओके। तो अभी आपका स्टाइल था, अब स्टाइल से आगे आपको जाना है तो प्लस करोगे, और इससे पीछे का फंक्शन देखना है तो माइनस करोगे, ठीक है। अभी हम आगे का देखते हैं, ओके। कैटेगरी में हम प्लस पे गए, ठीक है। ये सॉन्ग वॉल्यूम है, जो मेन है फंक्शन अभी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन है, ये मेरा 455 यामा है, जिसमें फंक्शंस अलग होंगे, आपका जो केसीओ है उसमें कुछ फंक्शन अलग होंगे, लेकिन जो कॉमन फंक्शन होते हैं मैं उनके बारे में आज आपको बता रही हूँ, कि आपका कोई भी कीबोर्ड नंबर हो, आपका कोई केसीओ हो जिसमें ये सारे फंक्शन अवेलेबल हो, तो एक आपका स्टाइल वॉल्यूम आपको हर एक कीबोर्ड केसीओ में मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसमें चेंज भी कर रही हूँ, अभी स्टाइल वॉल्यूम था, इसके आगे सॉन्ग वॉल्यूम, जो भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो मेन है वो बताऊंगी, इसमें तबला वॉल्यूम है, और भी मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ प्लस से, आपको प्लस से आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। अब आता है मेन आपका ट्रांसपोज, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, लाइक आपको सी शार्प से कोई प्लेइंग आती है, ठीक है, और सिंगर है या कोई जो भी गा रहा है उसको डी शार्प से कोई सॉन्ग गाना है, लेकिन आपको आता है सी शार्प से, फिर आप क्या करोगे? अब ऐसा तो नहीं बोलोगे कि आपको नहीं आता है, उस टाइम आपको क्या करना है, फंक्शन में जाके आप सर्च करोगे ट्रांसपोज कहाँ है, आपको ट्रांसपोज मिला है, ठीक है। अब इसमें अभी लिखा हुआ है 00, ठीक है, 00 मतलब अभी जो आपका कोई आपने अपना एक भी नोट आगे पीछे नहीं किया है, ठीक है। अगर हमें ट्रांसपोज कम करना है, लाइक देखो अभी आप ध्यान से साउंड को सुनो, अभी सी शार्प ही है आपका, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, अभी इधर देखो, अगर आपको ट्रांसपोज बढ़ाना है, प्लस करना है, मतलब आपको नोट एक नोट हाई करना है, तो आप प्लस करोगे, अब ये एक नोट हाई हो गया, देखो हुआ, अभी ये साउंड है, अगर मैं एक नोट और बढ़ाती हूँ, और बढ़ गया, और बढ़ाती हूँ, इसका मतलब ये तीन नोट मैंने आगे बढ़ा दिया, जो सी शार्प से था 1 2 3, इसका मतलब जो आपका ई मेजर है, ई है, ई ई नोट, वो मैंने सी पे लेके आई हूँ, वो कैसे, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज थ्री किया है, थ्री का मतलब आप एक नोट आगे गए, दो नोट आगे गए और तीन नोट आगे गए, ठीक है। अगर इसका मतलब सी पे आपका ई साउंड आ रहा है, ये ई, ठीक है, क्योंकि अब कोई ई से सॉन्ग आ रहा है और आपको आती है वो सी शार्प से, तो आप आराम से वही प्ले कर सकते हो और वो अपना स्केल ई रखेगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, कोई सी शार्प से आपको प्लेइंग आती है, ठीक है, लेकिन उन्हें सी शार्प से नहीं गाना है, उन्हें सिर्फ सी से ही गाना है, सी शार्प मेजर से नहीं गाना, उन्हें सी मेजर से गाना है, फिर आप क्या करोगे, अब जब सी शार्प आगे है सी से, ठीक है, तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तभी आप सी पे आओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांसपोज माइनस करना है। अभी तो देखो नॉर्मल है, ये सी शार्प मेजर है, ठीक है, और आपको सी शार्प मेजर पे ही सी मेजर बजाना है, उसके लिए आपको एक नोट लो करना पड़ेगा, ये, ठीक है। अब देखो ये सी मेजर है, मैंने सी शार्प कॉर्ड तो जरूर रखा, लेकिन इस पर साउंड सी मेजर गा रहा है, अभी मैं आपको सुनाती हूँ, ये देखो अभी ये सी मेजर है, ये सी शार्प मेजर है, अब सी मेजर का साउंड ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये सी मेजर का साउंड आपको सी शार्प मेजर पे कब सुनाई देगा, जब आप ट्रांसपोज एक नोट कम कर दोगे, ये आ गया समझ में। अब जैसे कोई सॉन्ग है लाइक, अब ये मैंने सी शार्प से बजाया, एक प्यार का नगमा है, ठीक है, लेकिन कोई सी मेजर से गाता है और आपको आता है सी शार्प से, तो आपको कुछ नहीं करना, सी मेजर से अगर सॉन्ग है और आपको सी शार्प मेजर से आता है, लेकिन कोई गा रहा है सी मेजर से, आपको क्या करना है, आपको वही माइनस कर देना है, सी शार्प पे जा रहे हो प्लस कर देना है, कोई भी एक नोट आगे बढ़ना है तो माइनस करोगे, अगर आपको एक नोट पीछे करना है तो पीछे जा रहे हो तो माइनस करना है, आगे जाओगे तो प्लस करोगे, ठीक है। ये फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ये जो ट्रांसपोजेस के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर कोई एक कॉर्ड डिसाइड होता है, सी शार्प मेजर या डी या ई मेजर, ठीक है, या एफ शार्प मेजर, एफ मेजर, जिससे कि आपको पर्टिकुलर उसी कॉर्ड से आपको कोई सॉन्ग आता है, तब के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई परफॉर्मेंस देनी है, आपको लग रहा है कि मुझे एफ शार्प मेजर से ही सॉन्ग आता है, लेकिन इसके साथ मैं प्ले करूँगा तो मेरा बहुत हाई स्केल हो जाएगा, मुझे थोड़ा कम, मैं जैसे सी शार्प से गाता हूँ, लेकिन आपको प्लेइंग एफ शार्प मेजर से आती है, तो आपको क्या करना है, आपका स्केल हाई हो जाएगा, ठीक है, वहाँ के लिए आप ट्रांसपोज यूज करो, माइनस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपका एक एक नोट कम होता जाएगा, ये देखो, ठीक है, प्लस करना है तो देखो एक ही नोट पर साउंड चेंज हो रहा है,
ये ट्रांसपोज का रोल है, ये ध्यान रखना है आपको। आप कहीं से भी, जैसे मैं बर्ड टू यहाँ से बजा रही हूँ, मैंने बजाया, ठीक है, लेकिन जैसे सामने कोई भी गा रहा है वो थोड़ा एक नोट ऊपर से गा रहा है, आपको सी मेजर से आता है, कुछ नहीं करना, फंक्शन में जाओ, ट्रांसपोज ए प्लस कर दो इसको, ठीक है। अब आपका ये सी शार्प मेजर से हो जाएगा, भले ही आप सी मेजर बजा रहे हो लेकिन आवाज आपको सी शार्प की आएगी क्योंकि आपका एक नोट ये प्लस हो गया। यहाँ देखो दिख रहा होगा ट्रांसपोज वन, ठीक है। अब आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, आपका एक नोट मैंने बढ़ा दिया, ये तो ट्रांसपोज है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फंक्शन की कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, माइनस करोगे तो आपको नीचे की दिखाई देगी सारी फंक्शन, प्लस करोगे तो आपको आगे की दिखाई देगी, ठीक है। ट्रांसपोज इसमें मेन है वो मैं भी आपको बता दूँ, ये है अभी मास्टर वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको भी बताया था इसमें बीट का ऑप्शन आया था स्टाइल वॉल्यूम, जिसमें क्या था आप स्टाइल का वॉल्यूम आगे पीछे कर सकते हो, कम करना है ज़्यादा करना है, ठीक है। सेम ऐसे आपको मास्टर वॉल्यूम है, इसमें अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है जैसे आपने स्टाइल का वॉल्यूम बीट, अभी आपको लग रहा है कि आपका ये वॉल्यूम कम है, आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, अभी 127 मेरी लास्ट है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि कोई जैसे कि हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ कोई आपको, जैसे हमारे पास में कोई कन्वर्सेशन करता है या कोई आपकी पढ़ाई चल रही होती है तो कोई डिस्टर्ब ना हो, तो वहाँ के लिए आप ये ऑप्शन जरूर यूज़ फंक्शन, जिसमें आप वॉल्यूम कम कर सकते हो स्टाइल का, या आपको अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम स्टाइल का कम करना है, बीट का कम करना है या इसका इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, आप कर सकते हो और आराम से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब ये इतना वॉल्यूम है 33, सिर्फ आपको सुनाई देगा, आपके पास जो भी बैठा हुआ है या जो भी पढ़ाई कर रहा है या जो भी कन्वर्सेशन कर रहा है उनको नहीं इतना सुनाई देगा, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इतना बढ़ाना है, ठीक है। ये तो आपका मास्टर वॉल्यूम है, अब इसमें आगे चलते हैं। मेन इसमें है तो बहुत सारे फंक्शन, बट अभी मैं जो आपको स्टार्टिंग में काम आने वाले वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देख सकते हो ये ए कंप लगा हुआ है यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, ये यहाँ से हमारा ट्रम्पेट शुरू होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे हम ए माइनर में हमारा कोई सॉन्ग होता है, ठीक है, ए माइनर में, या फिर आपको इससे आपको लगता है कि नहीं मुझे ए माइनर में है इससे थोड़ा सा मुझे नोट कम करना है, मुझे यहाँ तक मैं कम क्यों लूँ क्योंकि ए माइनर का कोड आपका आता है यहाँ तक, ठीक है, आपको ये एकम कम करना है इसमें, मतलब आपको चाहते हो कि यहाँ से ट्रम्पेट स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपको ए से ए तक ही रखना है कम, उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है उसमें, इसमें 59 का मीन्स मेरा यहाँ तक है, ठीक है, इसमें लास्ट है मेरे में 59 था अभी, ठीक है, 59 का मतलब मेरा बी तक था, सी से तो स्टार्ट हो ही गया है ट्रम्पेट, अब मैं 59 से कम करूँ, देखो 58 पे अब ए कंप नहीं है, अब यहाँ पे ट्रम्पेट आ गया, अगर देखो 59 करेंगे तो यहाँ ए कंप आ जाएगा, इसका मतलब आप ए माइनर में कुछ भी अगर प्ले करते हो, ठीक है, तो आपका अभी दो नोट ज़्यादा है और कम कर, ठीक है, ट्रम्पेट यहाँ भी आ गया और कम कर, यहाँ भी आ गया, इसका मतलब एकम आपका कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एक्सरसाइज अगर हमें प्ले करते हैं थोड़ा सा एकम का टच देना है,
ठीक है, अब ये हमने सी ले लिया और हम यहाँ से लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एकम पूरा हमारा यहाँ तक आता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको भी बी तक था ये, लेकिन हमें बी तक नहीं लेना, सी से कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, सी लिया, इधर ये सी हमें दिखाना है अपना पियानो या ट्रम्पेट में, उसके लिए आपको स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा, जितना आप कम करोगे लास्ट इसका 36 है, ठीक है। अब देखो आप जितना यहाँ से इंक्रीज करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, एफ कम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी देखो यह हमारा ट्रम्पेट सुनाई दे रहा है, मैं अभी पियानो लेती हूँ, ठीक है, यहाँ हमारा एकम पर नहीं है, लेकिन अगर आप बढ़ा दोगे कम हुआ, अभी सितार सुनाई दे रहा हूँ आपको, इसको बढ़ा देते तो एकम हो जाएगा, लग जाएगा, समझ में आपको। अगर आप सी से कोई सॉन्ग प्ले करते हो आपका एकम पूरा लगा हुआ है बी तक, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है सेकंड ऑक्टेव भी यहाँ तक, आपको अगर वहाँ से ये कम करना है, यहाँ पे सितार का टच देना है, तो आप यहाँ से स्प्लिट का यूज करके उतना अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, आपको जैसे भी रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका हुआ, मैंने आपको एक तीन ऑप्शन बताए इसमें फंक्शन में जाके, एक तो आपको बताया था मैंने ट्रांसपोज, इसमें प्लस माइनस कर सकते हो अपने गले की रेंज के अकॉर्डिंग, बढ़ा भी सकते हो स्केल, कम भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया स्प्लिट, जिसमें बता दिया अगर एकम जैसे कि आपको सी से सेकंड ऑक्टेव तक लेना है तो उसका यूज करना है, आप बढ़ा सकते हो, अगर आपको कम करना है तो सेम आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, ओके। और आपका मास्टर वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, आप बढ़ा भी सकते हो, ओके। एंड ये है टच, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई पियानो प्ले कर रहे हैं, टच लगा हुआ होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्लेइंग जहाँ टच होता है वहाँ प्लेइंग इतनी अच्छी नहीं लगती, हम यहाँ से टच हटा भी सकते हैं, ये टच है माइनस के, ये सॉफ्ट आया, मीडियम, हार्ड एंड ऑफ, ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, यहाँ से करते जाओ, सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट हो जाएगा, मीडियम भी हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा, देखो थोड़ा सा फर्क आता है, एंड ऑफ हो जाएगा, टच नहीं चाहिए फिर, ऑक्टेव है, ऑक्टेव आपका ध्यान से सुनना, ये आपका सी मेजर है, मैंने ऑक्टेव से, अब जो ये सी मेजर आप ये बजा रहे हो वो उस सी मेजर का वॉल्यूम आपको सेम यहाँ सुनाई देगा, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थर्ड ऑक्टेव है, ठीक है, आपको फोर्थ ऑक्टेव को आप जो वॉल्यूम है थर्ड ऑक्टेव में लेके आना है, यहाँ से प्लस कर दोगे, प्लस करोगे तो आपका एक ऑक्टेव हाई हो जाएगा ये, ठीक है, एक ऑक्टेव हाई हो गया, माइनस करोगे तो सेम अपने पे आ गया, और आपको अगर सी मेजर ए वाला वॉल्यूम इधर देना है तो आप माइनस कर दो, ये वॉल्यूम आ गया, और करोगे तो एक ऑक्टेव और कम हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें नोट कम नहीं होते, ये पूरा सब तक चेंज होता है, ये बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, सी मेजर है, प्लस किया तो ये वो सी मेजर जो हम यहाँ प्ले कर रहे थे उसका साउंड ही इधर आ गया, ठीक है, मतलब एक ऑक्टेव हमने प्लस कर दिया, दूसरा करना है और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, दो ही हो सकते हैं क्योंकि मेरे इसमें एक और दो है, अगर मैं सी मेजर से प्ले कर रही हूँ तो इसके आगे एक ये और एक दो ऑक्टिव ज्यादा है तो ये दो ही होगा, आई थिंक दो ही ऑक्टिव कम होगा, ये दो प्लस हो सकते हैं, दो माइनस हो सकते हैं, ठीक है, ये तो ऑक्टिव। अभी फिलहाल मैं आपको इन्हीं फंक्शन पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें आपको एक मैंने मास्टर वॉल्यूम बता दिया है, स्टाइल वॉल्यूम बता दिया मैंने आपको, ठीक है, और एक स्प्लिट का यूज बता दिया है, ऑक्टिव का यूज बता दिया है, ये मेन है, और एक ट्रांसपोज, इनको आपको ध्यान से करना है क्योंकि ये ट्रांसपोज इन सब का यूज आपको कहीं ना कहीं जरूर आपको नीड होगी, जहाँ आपको ये ऐसा फील होगा कि मुझे सी मेजर से बर्थडे ट्यून बजाना आता है लेकिन मेरा फ्रेंड तो डी मेजर से गाता है, या मेरा फ्रेंड सी शार्प मेजर से गाता है तो मैं उसको कैसे उसके सामने प्ले करूंगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ट्रांसपोज में जाओ, वो अगर आपसे आप जैसे आप सी मेजर से अगर प्ले कर रहे हो वो एक नोट आगे गा रहा है, ठीक है, सी शार्प मेजर से गा रहा है, तो जस्ट डोंट वरी, आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस यहाँ से प्लस कर देना है, और अगर वो आप सी शार्प मेजर से प्ले करते हो वो सी मेजर से गा रहा है तो आप उसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने केसियो में देखना, आपको जरूर मिलेंगे, ये मैंने वही फंक्शन बताया है जो सारे केसियो में मिल जाएंगे, आपका जो कीबोर्ड है उसमें ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का मेरा यही टॉपिक, आप ध्यान से इसको समझना, प्रैक्टिस करना, और एक बार आपको ये अच्छे से यूज करने हैं, अपने हाथ से यूज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।